This is outstanding batting. Really good batting. आज मैं रबिया को पॉपकॉर्न बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि इसको सादे पॉपकॉर्न आते हैं तो कैरमल वाले नहीं आते, तो मैंने कहा चलिए ये सिखाते हैं। लगा आपको? हाँ, मुझे लगा हाथ जल गया। ध्यान से करें, मुझे सादा वाले बनाने आते हैं लेकिन दूसरे वाले अभी मैंने सीखने हैं। हाँ, तो यही आपको सिखा रही हूँ, अगर कोई आपको बनाने पड़े तो आपको कोई मसला ना हो। तो ये हमने इसमें डाल दिए, माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे फूल गए हमारे पॉपकॉर्न। और अब हम इसका कैरमल थोड़े से पड़े हुए वो पहले बना लेते हैं, क्योंकि सारे इकट्ठे ही बन जाएंगे। तो घी मैंने डाल दिया, तो ये थोड़े से इसको भी रेडी कर लेते हैं। चूल्हा इसका बिल्कुल हल्का कर लेना, ठीक है, और इसको इस तरह से वैसे इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं रबे को सिखा रही हूँ। यस, हम बना रहे हैं गुड़ वाले। पहले हमने गुड़ और डाला था बटर और चीनी, आज सिर्फ गुड़ बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आप बटर या घी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तकरीबन एक चम्मच। थोड़ा सा ना इसमें बेकिंग पाउडर भी डालना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप बनाओगी। रेडी हो गया, रेडी हो चुका है। ये देखो इसका कलर भी चेंज हो जाता है ये डालने से ना। थोड़ा सा नमक डाला है, आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें। तैयार हो गया, चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसमें पॉपकॉर्न डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालती जाओ। अच्छा, ये बहुत ही मजे के बनते हैं, ऊपर पर से डाल दीजिए। साथ साथ टेस्ट भी कर रही हैं, हम इन टेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, ये अभी भी बीच में चिपके हैं। जो हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है। और आपके अब्बू देख रहे अंदर मैच, और ये उनके आके जाके रखते हैं, देखो क्या करते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? पता नहीं एक्सप्रेशन के क्या कह रही हो तुम, रिएक्शन रिएक्शन। हाँ चलो, आप लोग देख रहे हो मैच, और वो भी पॉपकॉर्न के बगैर, हालांकि मजा नहीं आता। कोई रिएक्शन भी नहीं, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं, साइलेंट। यम्मी। अभी गर्म है ना इसको। ये बाहर आ गए। Really good batting.
to